हरियाणा का कालावाली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ 1915 में एक महिला बेऔलाद थी। ये सब हम नहीं बल्कि चकेरिया गांव के उस समय के नंबरदार की रिपोर्ट कह रही है, लेकिन मौजूदा पटवारी के रहमो करम के चलते अब महिला के वारिस पैदा हो गए हैं और करोड़ों रुपए की जमीन को किसी के नाम करने के आरोप बुजुर्ग नंबरदार पर लगाए हैं। इसे लेकर अब चकेरिया के नंबरदार वीर सिंह ने सीएम विंडो पर शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। नंबरदार वीर सिंह को उम्र के साथ अब तो सही से दिखाई देता है और ना ही सही से सुनाई देता है। आरोप है कि पटवारी ने उन्हें विश्वास में लेकर इंतकाल पर उनके साइन करवा लिए। पटवारी ने ये धोखा कराया, धोखे से मेरे मतलब दस्तखत करा रहे। मैं ओडा वारसा बारे कोई बिल्कुल नहीं जानता। मेरी 80-81 साल की उम्र हो गई जी। मतलब उदो तो आधे रबी सोभी बिड़ा वाला का है, उस कोठियां पै रही है जी। 15-20 तो कोठियां तो होर हो रही जिन्हें घर 50 पे मेरे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਮੇ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀਐਮ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੋਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਭੀ ਮਤਲਬ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਹਰਿਆਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖੇ ਧੜੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अब इंक्वायरी चल रही है? नहीं, इंक्वायरी हाँ चल रही है। एसडीएम साहब ने बुलाई सी, इन्हों प्लीज कल देनी है, उस कार्रवाई होगी। सीएम विंडो पर शिकायत किए जाने के बाद एसडीएम निर्मला नागर को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया। जब इस बारे में एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच पूरी होने पर एक बड़ा मामला सामने आ सकता है। उन्होंने जल्द ही पूरे मामले में सच्चाई सामने लाने की भी बात कही। चिकरिया के नंबरदार के बाद बुलाया गया था। चिकरिया गांव में लगभग 20 एकड़ भूमि का जो खरीद की गई है, उसके संबंध में चकरिया गांव के लोगों ने शिकायत की है। तो उस शिकायत की इंक्वायरी चल रही थी, जिसमें पटवारी ने शिवराज ने बयान दिया है भाई जो उसने इंतकाल मंजूर करवाए हैं उस पर उसने नंबरदार वीर सिंह के साइन करवाए हैं और उसे तस्दीक करवाया है। जबकि वीर सिंह द्वारा जब इस बारे में पूछा गया तो वीर सिंह ने यह बताया कि उसने उसको किसी और चीज़ का मामला बताकर उसके साइन करवाए थे। उसे लगा कि वह पेंशन केस है और वीर सिंह की आयु लगभग 75 वर्ष से 80 वर्ष के करीब है और उसे जो उसने बताया भाई उसको दिखने में और सुनने में थोड़ी परेशानी है। इस चीज़ का फायदा पटवारी ने उठाया है। यह एक जांच का विषय है। अब वीर सिंह को हमने इस बारे में बयान देने के लिए कहा है, जो कि इस संबंध में बयान देंगे और उसमें फिर आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत 9 के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति की रिपोर्ट।